विश्व युद्ध के बारे में, पहला विश्व युद्ध किन किन कंट्रीज के बीच हुआ, क्यों हुआ था और पहले विश्व युद्ध के बाद इसका असर भारत पर क्या पड़ा था। और आज इस वीडियो में मैं आपको दूसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में बताऊंगी। ये वॉर 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर 2 सितंबर 1945 तक चली थी। इस वॉर को टोटल वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ, किन किन कंट्रीज के बीच हुआ और फिर उसके बाद ब्रिटेन और भारत के कैसे रिलेशंस थे। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टबुल न्यूज इन मीडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सर। सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध में पार्टिसिपेटरी कंट्रीज की, यानी कि जिन जिन कंट्रीज ने दूसरे विश्व युद्ध में पार्ट लिया। तो जिसमें एक तरफ थी एलाइड कंट्रीज, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए और चाइना जैसे प्रमुख देश शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। भारत उस टाइम ब्रिटेन के कॉलोनी था, इसलिए ना चाहते हुए भी भारत को इस युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा था। अब बात आती है युद्ध के कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण था राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। उस समय जापान में मिलिट्रिज्म काफी जोरों शोरों से था। 19वीं शताब्दी में जापान अपनी सम शक्तियों को बढ़ा रहा था और आसपास के कंट्रीज पर अटैक करके जापान ने उनको जीत लिया, जो विश्व युद्ध का पहला कारण बना। दूसरा है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919। ये ट्रीटी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के बीच साइन करी गई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी को ही पहले विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एडल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध का आगाज किया था। तीसरा कारण है इंपीरियलिज्म। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के बीच ये होड़ लगी थी कि इनमें से कौन ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने अंडर करता है और कौन ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अपने अधीन करता है, और बाद में यही वर्ल्ड वॉर टू का मुख्य कारण बना। चौथा कारण है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जापान एंड इटली। जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी तानाशाहों की वजह से पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर टू की आग में झोंक दिया गया, वहीं जापान में राजा का शासन तो था लेकिन वहां पर मिलिट्री का हेड डिक्टेटर की तरह ही काम करता था। पांचवा कारण है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था आने वाले समय में पहले विश्व युद्ध जैसा युद्ध होने से रोकना, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने में फेल हो गई और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर आया राइज ऑफ हिटलर एंड एनएसडीएपी। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने से वर्सलाइज समझौते से बौखलाए हुए जर्मनी वासियों को एक आशा की किरण दिखाई दी। उनको लगा कि वर्सलाइज समझौते में जो अन्याय जर्मनी के साथ हुआ है उसका न्याय उनको जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां मैं आपको बता दूं कि एनएसडीएपी का मतलब है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी कहा जाता है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया और बदले में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी पर अटैक करके इस चीज की घोषणा कर दी। साथ ही यूएसएसआर ने जर्मनी का साथ देते हुए पोलैंड पर अटैक कर दिया और कुछ ही दिनों में पोलैंड को जीत कर आधा आधा बांट लिया। साल 1940 के शुरुआती महीनों में ही जर्मनी ने वॉर के लिए नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते जर्मनी ने शुरुआत के 4 महीनों में डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम को जीत कर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब जर्मनी का अगला निशाना था फ्रांस। 10 जून 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और मैं 4 दिन बाद यानी कि 14 जून को पेरिस को जीत लिया था। अब इसके बाद हिटलर ने ब्रिटेन की तरफ अपना रुख किया। जर्मनी और ब्रिटेन की इस लड़ाई को बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से आज भी जाना जाता है। 27 दिसंबर 1940 को एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे ट्रिपार्टी पैक्ट के नाम दिया गया, जो कि जापान, जर्मनी और इटली के बीच हुआ। 1940 के अंत तक आते आते जर्मनी ने ग्रीस और यूगोस्लोवाकिया पर भी अपना कब्जा कर लिया और बाद में लगभग पूरा यूरोप को जीत लिया था।
लेकिन हिटलर का ये मानना था कि उनको रहने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए इसलिए 1941 में हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला कर दिया, लेकिन बाकी देशों की तरह जर्मनी यूएसएसआर को हरा नहीं पाया। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, जहां जापान ने 1940 के आते आते चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियार लिया था। वहीं जापान अब एक्सिस पावर का भी हिस्सा बन गया था और इसी के बाद उन्होंने इंडो चाइना यानी कि वियतनाम, बुर्मा, हांगकांग, गुआम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस इन सभी देशों पर भी अपना कब्जा कर लिया था। 1 दिसंबर 1941 को यूएसए के पर्ल हार्बर नाम की एक जगह पर अटैक कर दिया। इस अटैक में यूएसए के 2509 सैनिक मारे गए और फिर इसी अटैक के बाद यूएस ने भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। लगभग 2 साल तक जापान और यूएस लड़ते रहे और यूएस ने जापान से वो सारे आइलैंड वापस ले लिए जो जापान पहले ही जीत चुका था। अब बात आती है साल 1944 की, जिसमें सोवियत आर्मी यानी कि यूएसएसआर ने जर्मनी से उसका पूर्वी हिस्सा छीन कर बर्लिन की ओर अपना रुख बढ़ाया था। इस दौरान भारत में भी दूसरे विश्व युद्ध का असर देखने को मिला। जापान ने असम पर अटैक किया जिसे बैटल ऑफ इम्फॉल के नाम से जाना जाता है। 1945 के आते आते जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से हार चुकी थी और 29 अप्रैल 1945 में जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध से सरेंडर कर दिया। फिर 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जापान अभी भी दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा था, लेकिन उसको रोकने के लिए यूएस ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त से 9 अगस्त तक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए और इसी के साथ 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी सरेंडर कर दिया। एलाइड पावर इस जीत के दिन को याद रखने के लिए ब्रिटेन ने भारत को आजाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन चुना था। वर्ल्ड वॉर टू में लगभग 70 से 80 मिलियन लोग मारे गए। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वो सारी आजाद कर दी गई और तीसरा विश्व युद्ध ना हो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आज हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कर दी गई। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो चल रहे हालात हैं उनको देखकर ऐसा ही लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एक ही सवाल है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसका असर ना सिर्फ ईरान और अमेरिका पे पड़ेगा बल्कि तीसरे विश्व युद्ध से बाकी सारे देश भी प्रभावित होंगे। आपका क्या कहना है तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें पोजिटिव न्यूज एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।